ghamasan.com. मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भांत्री। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अरबपति लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, वो कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते। समाज के हितों में भी उन्हें कभी कोई चिंता नहीं रहती है, न ही वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जरूरतमंदों को आखिर क्या चाहिए। लेकिन हम आपको आज एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर सभी चौंक जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसे अरबपति इंसान की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसने कहा है कि वो सभी छात्रों का एजुकेशन लोन अपने पैसों से चुकाते हैं। आप सोचेंगे कि ये क्या बात सच हो सकती है, लेकिन ये सच है और इस नेक इंसान का नाम हम आपको बताएंगे हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। इस नेक इंसान का नाम रॉबर्ट एफ स्मिथ है। जी, इसकी घोषणा ने सबको चौंका दिया है कि वो इस वर्ष कॉलेज के स्नातक पास करने वाले 396 छात्रों का अरबों रुपए का शिक्षा ऋण चुकाएंगे। मोरहाउस अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के अटलांटा शहर में अश्वेतु का एक ऐतिहासिक कॉलेज है जहां सिर्फ पुरुष छात्र पढ़ते हैं। रॉबर्ट एफ स्मिथ ने रविवार को कॉलेज के दीक्षांत समारोह में ये घोषणा की। स्मिथ भी एक अश्वेत अमेरिकी नागरिक है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार 8 पीढ़ियों से अमेरिका में रह रहा है, इसलिए उनका परिवार समाज की बेहतरी के लिए कुछ योगदान देना चाहता है। स्मिथ विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के फाउंडर और CEO हैं। उनकी फर्म सॉफ्टवेयर, डेटा और टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियों में निवेश करती है। एक अमेरिकी छात्र ने कुछ दिनों पहले अमेरिकी शिक्षा जगत को लेकर एक सवाल सबके सामने रखा था। उसने कहा था कि $2,00,000 का लोन चुकाने में एक छात्र को 25 साल लग जाते हैं, जिसके लिए उस छात्र को हर महीने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा बैंक को देना होता है। इसके ठीक बाद स्मिथ की ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है। स्मिथ की इस घोषणा से मोरहाउस कॉलेज का कहना है कि ये अब तक का सबसे बड़ा उपहार है। स्कूल के अध्यक्ष डेविड थॉमस ने सोमवार को समाचार संस्था को बताया कि 396 छात्रों के लोन को चुकाने वाली सटीक राशि की गणना अभी भी की जा रही है, लेकिन ये राशि संभवतः लाखों डॉलर में होगी। थॉमस ने स्मिथ के इस दान को मुक्ति का उपहार बताया है। दीक्षांत समारोह में मोरहाउस कॉलेज की तरफ से स्मिथ को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया। बता दें कि इससे पहले वे कॉलेज के लिए $15,00,000 यानी कि 10.5 करोड़ रुपये देने का ऐलान कर चुके हैं। स्मिथ की नेटवर्थ $4.47 अरब यानी कि 31,290 करोड़ रुपए है। अमेरिका में छात्रों पर लगातार बढ़ रहा कर्ज एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे कई डेमोक्रेट सांसदों ने इस पर चिंता जताई है। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार अमेरिकी छात्रों पर 105,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।